और फरीदाबाद के सेक्टर 14 में श्री श्रद्धा रामलीला कमेटी की ओर से आयोजन किया गया, जिसका पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने संस्था के सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि समाज में इस तरह के कार्यक्रम होने बहुत जरूरी हैं, ताकि आने वाली युवा पीढ़ी हमारे संस्कार और पौराणिक कथाओं से जीवंत रूप से रूबरू हो सके। आपको बता दें, पिछले 15 सालों से श्री श्रद्धा रामलीला कमेटी सेक्टर 14 RW के सहयोग से रामलीला का आयोजन करती आ रही है, जिसका टीवी चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारण भी किया जाता है। गांव की जो समिति बनी हुई है अनेकों सालों से, लगभग मैं तो चलना भी नहीं सीखा था तब से, 45 सालों से ये जो मंचन रामलीला का यहाँ पर कर रहे हैं, इतने सफल और इतने लंबे कार्यकाल के लिए मैंने बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज यहाँ गांव की सरदारी के साथ साथ, कहते ना, कोई व्यक्ति गांव में जब बड़ा हो जाता है, लोगों के काम और सेवा के काम में लग जाता है, तो वो व्यक्ति अपना नहीं रहता, वो गांव का हो जाता है और गांव का मान बढ़ाने का काम करता है। चाहे वो हमारे भाई समुंदर सिंह जी हो, चाहे बलवंत सिंह जी, जो हरियाणा सरकार के उतने ऊंचे पदों पर रहे कि जिनका दफ्तर भी सरकार को दिल्ली के अंदर देना पड़ा। तो मैं ऐसे अपने भाइयों का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत।